मैं हूँ आपकी फेवरेट सारा। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ट्रू स्टोरी। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और इस वीडियो पर कमेंट और लाइक भी करना है। तो हर बच्चे ने, हर बड़े ने ये स्टोरी सुनी है, प्यासे कौवे की। तो ये थोड़ी सी झूठी मोटी स्टोरी है। अब मैं आप लोगों को सुनाऊँगी एक ट्रू स्टोरी। उससे पहले हम सुनते हैं पुरानी स्टोरी। यही पुरानी स्टोरी थी कि भाई एक कौवा कहीं से उड़ता हुआ आ रहा था। वो बहुत प्यासा था, बहुत थका आ रहा था। उसको एक मटका नज़र आया जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी था। उसको एक तरकीब सूझी कि भाई हम इसमें कंकड़ डालते तो पानी ऊपर आ जाएगा। लॉजिकल बात है सोचने की कि पानी कैसे ऊपर आएगा, कंकड़ ही सारा पानी पी गए होंगे। लॉजिकल बात है ना। आजकल वो तो पुराने ज़माने का कौवा था, बहुत पुरानी कहानी। अब मैं आप लोगों को सुनाती हूँ नई कहानी। अरे भाई, टीवी भी स्मार्ट हो गए हैं, अप्लायंसेस भी स्मार्ट हो गए, सब कुछ स्मार्ट हो गया। मैं भी स्मार्ट हो गई, आप भी स्मार्ट हो गए, तो कौवा कैसे ना स्मार्ट होता। लॉजिकल बात है ना। तो मैं आज सुबह विंडो पर खड़ी हुई थी, मैंने एक कौवे को देखा। हमारे घर के थोड़े से फासले पर एक डिस्पोजेबल ग्लास रखा हुआ था जिसमें इतना सा पानी था, थोड़ा सा। कौवा वहाँ पर गया, वहाँ पर रुका और उसने अपने चोंच डाली। उसकी चोंच तो पानी तक पहुँच ही नहीं रही थी। तो उसने ना, उसकी एक नज़र एक गैजेट पे पड़ी जो उसको पानी पीने में मदद कर सकता था। वही पाकिस्तानी आदत, वही गैजेट स्ट्रॉ था, वही पाकिस्तानी आदत के लोगों ने यूज़ की होगी। जूस पीकर पानी पीकर वो वहीं फेंक दी। तो कौवे भी स्मार्ट था, जाहिर सी बात है आजकल के कौवे स्मार्ट है। उसने वो स्ट्रॉ ली और फिर उससे घटाघट पानी पी लिया। तो आजकल के कौवे भी स्मार्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है। और ये थी ट्रू स्टोरी। वो झूठी स्टोरी से आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे। ये है लॉजिकल स्टोरी। और हम बच्चे भी आजकल के स्मार्ट बच्चे पूरी प्रूफ से बात करते हैं, पूरी प्रूफ से। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये स्टोरी, ट्रू स्टोरी, बहुत पसंद आएगी और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी करेंगे। ओके, टाटा, लाफिज़।